नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फ्री में। देखिए आज मैं आपके लिए करंट अफेयर लेकर आया हूँ जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, अभिनेत्री श्रीदेवी की मृत्यु किस होटल में हुई है? जी हाँ, अभिनेत्री श्रीदेवी की मृत्यु किस होटल में हुई है? तो गोबेरा होटल में, जो कि स्थित है दुबई में। अभिनेत्री श्रीदेवी की मृत्यु गोबेरा होटल दुबई में हुई है। क्वेश्चन नंबर दो, विश्व का सबसे ऊंचा होटल कौन सा है? जी हाँ, विश्व का सबसे ऊंचा होटल कौन सा है? तो गोबेरा या गोबरा होटल, जो कि दुबई में स्थित है, विश्व का सबसे ऊंचा होटल है जिसकी ऊंचाई 356 मीटर है। क्वेश्चन नंबर तीन, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? जी हाँ, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर होगा विपुल कुमार देव, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री हैं जो हाल ही में बने हैं। ये बीजेपी दल से संबंधित है। अगर हम बात करें कि त्रिपुरा में मुख्यमंत्री चुनाव कब हुए हैं, तो त्रिपुरा में मुख्यमंत्री चुनाव 18 फरवरी 2018 को हुए थे। और अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आया था 3 मार्च 2018 को। वर्तमान में त्रिपुरा के राज्यपाल की बात करें तो वर्तमान में त्रिपुरा के राज्य हैं तथागत राय। जी हाँ, तथागत राय जो है वर्तमान में त्रिपुरा के राज्यपाल है। क्वेश्चन नंबर चार, नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? जी हाँ, नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं, जो कि नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से संबंधित है। जी हाँ, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं, जो कि नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से संबंधित है। यहाँ पर नागालैंड में मुख्यमंत्री के चुनाव 27 फरवरी 2018 को हुए थे। अगर हम बात करें नागालैंड के वर्तमान राज्यपाल की, तो नागालैंड में वर्तमान राज्यपाल हैं बालकृष्ण आचार्य। क्वेश्चन नंबर पाँच देखते हैं, मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? जी हाँ, मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? तो मेघालय के मुख्यमंत्री है कोनराड संगम। जी हाँ, कोनराड संगम जो है वो मेघालय के मुख्यमंत्री है, जो कि नेशनल पीपल्स पार्टी के सदस्य हैं। अगर हम बात करें मेघालय के राज्यपाल की, तो मेघालय में राज्यपाल हैं श्रीगंग प्रसाद। जी हाँ, मेघालय के राज्यपाल हैं श्रीगंग प्रसाद। अगर हम बात करें चुनाव की, मेघालय में चुनाव कब हुए, तो चुनाव हुए थे 27 फरवरी को और रिजल्ट आया था 3 मार्च को। जी हाँ, चुनाव हुए 27 फरवरी को, रिजल्ट आया था 3 मार्च को। क्वेश्चन नंबर छः, भारत के किस राज्य में लेनिन की मूर्तियों को तोड़ा गया है? जी हाँ, भारत के किस राज्य में लेनिन की मूर्तियों को तोड़ा गया है? तो भारत में जो है एक जगह है बेलेनिया, जो कि त्रिपुरा में स्थित है। यहाँ पर लेनिन की मूर्तियों को तोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर सात, भारत का वह राज्य नेता और अभिनेता जिसे ब्रिटेन में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला? जी हाँ, भारत का वह राजनेता और अभिनेता जिसे ब्रिटेन में लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार मिला है, तो उत्तर होगा शत्रुघ्न सिन्हा को। क्वेश्चन नंबर आठ, ऑस्कर पुरस्कार 2018 किस फिल्म और किस अभिनेता व अभिनेत्री को मिला है? तो ऑस्कर पुरस्कार, देखिए ऑस्कर पुरस्कार 2018 फिल्म देखते हैं। सबसे पहले फिल्म है द शेप ऑफ वाटर को मिला है। अब बात करें अभिनेता की, किस अभिनेता को मिला है, तो अभिनेता को मिला है गैरी ओल्डमैन को। बात करें अभिनेत्री की, किस अभिनेत्री को ऑस्कर पुरस्कार मिला है, तो ऑस्कर पुरस्कार मिला है 2018 का मैकडोरमेड को। जी हाँ, अभिनेत्री मैकडोरमेड को। क्वेश्चन नंबर नौ, केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है? जी हाँ, केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है 7%। इससे पहले 5% थी, लेकिन अब बढ़ाकर 7% कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर दस, किस राज्य ने सभी बुजुर्ग व्यक्तियों को पेंशन देने की घोषणा की गई है? जी हाँ, किस राज्य ने सभी बुजुर्ग व्यक्तियों को पेंशन देने की घोषणा की है? तो बिहार में जो है नीतीश कुमार जिन्हें सभी बुजुर्ग व्यक्तियों को पेंशन देने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व का सबसे बड़ा रक्षा बजट किस देश का है? जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा रक्षा बजट किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा रक्षा बजट जो है अमेरिका का है, उसके बाद चीन का, और नंबर 5 पर आता है भारत का। क्वेश्चन नंबर 12, ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या है? जी हाँ, ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या है? तो ओलंपिक 2020 का शुभंकर, देखिए, सुपर हीरो है।
जी हाँ, ओलंपिक 2020 का शुभंकर सुपर हीरो है। अगर हम बात करें ओलंपिक 2020 खेल कहाँ आयोजित होंगे, तो ये होंगे टोक्यो जापान में। क्वेश्चन नंबर 13, पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला जिसे सीनेटर बनाया गया। जी हाँ, पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला जिसे सीनेटर बनाया गया है, तो ये हैं कृष्ण कुमार कोहली। जी हाँ, कृष्ण कुमार कोहली को जो है ये पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला है जिन्हें सीनेटर बनाया गया है। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत ने किस देश के साथ बिजली आपूर्ति के लिए समझौता किया है। जी हाँ, भारत ने किस देश के साथ बिजली आपूर्ति के लिए समझौता किया है, तो भारत ने देखिए बांग्लादेश के साथ बिजली आपूर्ति समझौता किया है, जिस समझौते को पूरा करने में एनटीपीसी सहयोग देगा। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम मुस्लिम देश जहां हिंदू मंदिर बनाने की घोषणा की गई है। जी हाँ, प्रथम मुस्लिम मंदिर जहां हिंदू मंदिर बनाने की घोषणा की गई है, तो प्रथम मुस्लिम देश है आबू धाबी। जी हाँ, प्रथम मुस्लिम देश आबू धाबी है जहाँ पर हिंदू मंदिर बनाने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 16, वह इमारत जहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को रोशनी से जगमगाया गया है। जी हाँ, वह इमारत जहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को रोशनी से जगमगाया गया है, तो वह बुर्ज खलीफा। जी हाँ, बुर्ज खलीफा को जो है भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे को बुर्ज खलीफा पर दिखाया गया है। अगर हम बात करें बुर्ज खलीफा की, तो बुर्ज खलीफा जो है वो विश्व की सबसे ऊंची इमारत है जिसकी लंबाई 828 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 17, किस भारतीय बैंक में सबसे बड़ी धोखाधड़ी हुई है। जी हाँ, किस भारतीय बैंक में सबसे बड़ी धोखाधड़ी हुई है, तो PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक में जो है सबसे बड़ी धोखाधड़ी हुई है, और यह किसके द्वारा की गई, यह की गई है नीरव मोदी द्वारा। जी हाँ, नीरव मोदी द्वारा जो है लगभग 12,000 करोड़ का घोटाला किया गया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।